नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अनस, और इस वक्त मैं दिल्ली के एसएस फैशन ग्रुप में हूं। एसएस फैशन ग्रुप बेसिकली उन लोगों पर काम करती है जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं एक्टिंग लाइन में, डांस लाइन हो या फिर मॉडलिंग लाइन हो। बेसिकली मॉडलिंग लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये काम करती है आपके नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन बात करूँ मैं आज आपकी, तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग बाग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही वजह आज की इवेंट की मैं बेसिकली बताना चाहूँगा। आज के इवेंट में टीम 07 जो कि इस वक्त दिल्ली के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में इतनी तेज़ी से वायरल होती है उनकी वीडियो, और बात करी जाए उनके फैंस फॉलोइंग ही, अब धीरे धीरे मैं आपको मिलवाऊंगा। लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं कुछ यहाँ के दर्शकों से कि आज वो यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे उनको लग रहा है। जी नाम बताइए अपना। नाम मेरा शहजादी है और मैं से मिलने आई हूं। कब से आए हुए हैं आप यहाँ पे? सुबह 8 बजे आए हूं। किससे बेसिकली मिलना, किससे? फैजू से। अगर बात करी जाए टीम 07 में इतने सारे लोग हैं, आप बेसिकली किससे मिल रहे हैं? अदनान शेख। अदनान शेख की बात करूँ तो 07 में सिर्फ एक ही लड़की है, कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? वो बहुत सुंदर है, प्लीज आगे आइएगा थोड़ा सा। अच्छा, वो जैसे कि आपने बताया बहुत सुंदर हैं, कहाँ से आप आई हैं? नाम बताइए पहले अपना। ओके, गुड़गांव से आप आई हैं। कितने बजे से यहाँ पे आई हुई हैं? लगातार आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग सुबह से ही आके बैठे हुए हैं, सुबह से ही लोग बाग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो फटाफट से पल मिले कि उनसे वो मिल पाएँ और मिलने के बाद पोर्टफोलियो शूट उनका हो पाए। लेकिन धीरे धीरे हम आपको साथ के साथ मिलवाते रहेंगे। जल्दी फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24, जल्दी लौटेंगे। तो चलिए बेसिकली अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं टीम 07 से, जिसके इतने चर्चे आप सब लोगों ने सुने ही हैं। बात करेंगे उनकी निजी ज़िंदगी की, कैसे उन्होंने इतना हासिलात करें, अपने काम को लेकर हो या फिर वीडियोस को लेकर हो या इससे अलावा भी, उनकी चाहे क्वालिफिकेशन की बात करी जाए या हर चीज़, आज हम जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। चलिए अदनान जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू। ये बताइए कि आपने आज लगभग जितनी भी जगह शोज़ करे हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड आपको मिला है, कहाँ ज़्यादा पब्लिक आपको मिलती है? सबसे ज़्यादा अभी तो हम लोग का जो रिसेंटली लास्ट इवेंट था जो अहमदाबाद में, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड हम लोग देखे और सबसे ज़्यादा प्यार वहाँ पे देखे। अभी दिल्ली फर्स्ट टाइम आए हम लोग एक पोर्टफोलियो शूट के लिए, तो अभी देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। हम लोग को तो यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं। अच्छा, कभी कहीं ऐसा भी हुआ हो कि मैनेजमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हो, या फिर कह लीजिए कि इवेंट ऑर्गेनाइजर से कोई ऐसी बात होती हो किसी भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आज तक ऐसा कुछ नहीं? अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद में हुआ था। उन लोग मैनेजमेंट बराबर नहीं था उन लोग का, उन लोग के वॉलंटियर्स भी बराबर नहीं थे और बॉडी गार्ड्स भी उन लोग बहुत कम रखे थे। मतलब हम लोग को कुछ बोले थे और वहाँ पे बाउंसर्स बहुत कम थे। मतलब उन लोग सोचे थे, उन लोग की एक्सपेक्टेशन उन लोग का इतना नहीं था कि इतना क्राउड आएगा। कभी ऐसा हुआ है आपने वीडियोस बनाने की कोशिश करी है, कोई एक वीडियो आपने 10 बार से भी ज़्यादा करी हो और वो बाकी हो ही नहीं पाई हो, तो कभी ऐसा हुआ कि उस वीडियो को आपने लीव कर दिया हो, छोड़ दिया हो कभी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, सुनते ये भी है कि आपकी पूरी टीम में ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई एजेड है तो वो अदनान जी हैं। अदनान क्या मतलब, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखने से कुछ ऐसा लगता, छोटा दिखता है हम लोग के ग्रुप में, मगर ये है नहीं, सबसे बड़ा वही है। ये ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा है फैज बलोच, मगर ये सबसे छोटा। फैज बलोच, अभी धीरे धीरे बातचीत करेंगे, धीरे धीरे उधर पहुंचने की। हसनैन भाई से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक कहते हैं कि चिंगारी निकलने के बाद आग लग जाती है, और वो आग हो गई वायरल, जहाँ पे आपने कहना, आपसे ये कहना हुआ था, आपकी ज़बानी कुछ इस टाइप की थी कि पासिस लो और इंदौर मिलो, उसके पीछे बेसिकली क्या वजह है? उसके पीछे कोई रीज़न था ही नहीं। मेरा क्या था, मतलब कि हम लोग ना एक दावत में गए थे, वो दावत से निकले थे बाहर, फिर उसके बाद है ना जो वहाँ का जो लाला था उसने बोला कि चलो एक सेल्फी ले लेते सबके साथ, तो सबके साथ मैंने उतर के कार से सेल्फी भी लिया। सेल्फी लेने के बाद क्या हुआ, मतलब मैं कार में बैठा तो वो जो एक छोटा सा बच्चा था और बहुत सारे लोग थे, रात के 3 बजे थे, मैंने उतर के फोटो भी लिया, वीडियो के लिए तो लोग ने बोले ये कार था, तो मैंने उसको बोला हसनैन प्लीज़ देख ऐसा बात मत कर, क्योंकि डुएट होता है। सेम चीज़ अहमदाबाद में भी हुई थी, मगर वो अच्छे फेम में हुई थी, और ये जो इसने बोला है ना वो उसने अलग वे में बोला है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी अनकंफर्टेबल आपको आज तक ऐसी महसूस हुई है जो कि आपको लगा हो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो, अनकंफर्टेबल हो दोनों को? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। मतलब कुछ करने को चाहा हो उसके बाद भी वो नहीं हो पाया हो?
कभी कभी वीडियोस होती है ऐसे मतलब। अच्छा ये कहते हैं फैजल जी फैजू जी के दिल्ली दिलवालों के लिए हैं, अगर दिलवालों की बात करी जाए तो दिल्ली में आने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। बेसिकली बॉम्बे की बात करी जाए तो आप लोग बॉम्बे से सब लोग हो ठीक है? हाँ ठंडी बहुत है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे नहाने के लिए, गर्म करना पड़ रहा है पास। अच्छा जैसे वो जो बोले थे ना कि पासेस लो रेट में, तो ऐसा बोला था तब जाके, तो वो आधा वायरल हुआ, रात में 3 बजे नहीं सबके साथ फोटो भी खिंचाया था, उसके बाद मैंने ऐसे बोला था नॉर्मली मैं से बात कर रहा था और कुछ नहीं फोटो तो खींचा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो लोग टिकटॉक पर आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता हासिल नहीं होती, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि मेहनत है शुरू में, बस थोड़ी मेहनत है, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है, हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छा जो बोलते हैं हमारी वीडियो वायरल होती है, इनकी क्यों वीडियो वायरल होती है, हमारी क्यों नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे नीचे वीडियोज में जा सकते हो, मैंने कम से कम 2000 वीडियो बनाया अभी तक। दुनिया का हर टिकटॉक यूजर आज की डेट में टीम 7 को देखता है, हर टिकटॉक यूजर आज की डेट में टीम 7 को प्यार करता है, लेकिन बात करी जाए 07 की तो वो लोग किसको देखते हैं ये जानना पड़ा, किसको देखते हैं आप TikTok? मतलब आप टिकटॉक पर किसको देखना पसंद करते हैं? हम लोग फॉर यू में मतलब जो भी नए नए साउंड आते हैं या तो खुद से हम लोग भी व्लॉग्स में नए नए साउंड जो भी हम लोग को पसंद आता है उस पर हम लोग टिकटॉक बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव अभी हम लोग के ग्रुप में टिकटॉक बनाने में वो है फैसल। फैसल जी से अगर बात करें कि पर्सनली किसी को देखते हो तो कैसा लगता हो, क्योंकि बेसिकली आपके 200 मिलियंस अभी क्रॉस हुए हैं, और अगर बात करी जाए तो टिकटॉक पर जो ऑलमोस्ट एक स्टार और हैं जिनका नाम है मंजुल खट्टर जी, उनके भी 100 मिलियंस क्रॉस कर चुके हैं, क्या उनके बारे में कहना है, कभी उनके कुछ ऐसा हुआ हो कि उनकी तरफ से कुछ आपसे? नहीं ऐसा कुछ भी तो हुआ नहीं है उनके साथ में, बाकी वो अपने इसमें प्रोफेशनल में, अपने इसमें प्रोफेशनल। आखिरी संदेश क्या रहेगा आपका दिल्ली वासियों के लिए? कि हम लोग बहुत अच्छा लगा, दिल्ली वाले आपका दिल जीत के जाएंगे, तो दिल जीत के जाएंगे। तो देखा जीरो टीम 7 से बात करी, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको किस सफलता हासिल होने के पीछे क्या क्या वजह थी, क्या क्या उनको कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा है, क्या क्या चीज़ों से वो निखर के यहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों का प्यार भी उन्होंने कैसे कैसे बटोरा है, और अगर बात करी जाए दिल्ली की तो दिल्ली में दिलवालों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है।